अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहजहां। मैं आपको शाहजहां सिस्टर किचन कॉर्नर में खुशामदीद कहती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टेस्टी यम्मी सा सूजी और दूध के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ न्यू स्टाइल में, जो कि बहुत मजेदार और बहुत टेस्टी बनता है। जैसा कि आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हैं तो हमारा मीठा खाने को दिल करता है। आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आधा गिलास मैंने पानी लिया है, एक कप मैंने दूध लिया है, एक पाव मैंने घी लिया है, इलायची मैंने हसबी जरूरत ली है, बादाम मैंने हसबी जरूरत लिए हैं, नारियल की पीसे हुए की मैंने आधी प्याली ली है, एक प्याली मैंने चीनी ली है, एक प्याली मैंने सूजी की ली है, आधी प्याली मैंने मैदे की ली है। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी इसको आपने किस तरह तैयार। मैंने इसमें एक प्याली घी शामिल किया जो मैंने लिया था। अब घी गर्म हो जाए अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलायची शामिल करूंगी जो मैंने हसबी जरूरत ली थी। यह बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। ये इतना मजे का बनता है हलवा कि जो लोग हलवा नहीं खाते उनको आप बनाकर पेश कीजिएगा, उन्हें यह हलवा बहुत पसंद आएगा। पहले फुल फ्लेम पे अच्छे से घी को गर्म कर लेंगे, फिर इसकी मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम। घी अच्छे से गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैदा शामिल करूंगी जो मैंने आधी प्याली लिया है। अब अच्छे से भूनेंगे इसे। अब इसे अच्छे से भूनेंगे। आपने जब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये तकरीबन 5 मिनट आपको अच्छे से भूनना पड़ेगा। बहुत टेस्टी हलवा बनता है ये, अक्सर हम अपने घर में भी हलवा बनाते हैं। मैंने कहा मैं आपसे ये अपनी रेसिपी शेयर करूं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक प्याली ली थी। तो जब तक भूनना जब तक सूजी का कलर ना चेंज हो। अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज आ जाए और कच्चेपन की स्मेल ना आए। बस सूजी अच्छे से भून गई है। अब मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी कि आपने किस तरह बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी शामिल करेंगे। आधे गिलास से भी आधा पानी डाला है हमने इसमें। तकरीबन मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। एक प्याली चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी की आपने चाशनी नहीं पकानी, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसे चाशनी को उतार लेना है चूल्हे से। सिर्फ हमने इसकी चीनी मेल्ट करनी है, हमने इसकी तार वाला शीरा नहीं बनाना।
हाँ मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, और मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करकर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा तैयार हुआ। एक चुटकी इसके अंदर येलो कलर डालेंगे, एक चुटकी इसके अंदर पीला कलर शामिल करेंगे। अगर आप इसमें शामिल करना चाहती हैं पीला कलर और शामिल करना है तो ना आप स्किप कर दें, मैंने शामिल किया है थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हलवे को। थोड़ी सी चीनी रह गई, अच्छे से ऐड हो गई। चीनी माइल्ड हो गई अच्छे से, अब मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ। अच्छे से होगी, थोड़ा सा चूल्हा स्टोव कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा शामिल कर दिया, दूध शामिल कर दूंगी जो मैंने एक कप लिया है। बिस्मिल्लाह, इसे अच्छे से भूनेंगे। नारियल शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, जो हमने हसबैंड जरूरत लिया, बादाम शामिल कर देंगे जो हमने हसबैंड जरूरत लिए थे। बोलेंगे अच्छे से, अच्छे से भूनेंगे। इतनी अच्छी वीवर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही, इतने मज़े का टेस्टी तैयार होता है ये हलवा। इतना सॉफ्ट हलवा तैयार हुआ है, बिल्कुल इसी तरह के टेस्ट से तैयार होता है जैसे कि हम बाहर से लाकर हलवा खाते हैं। बस ये हलवा तैयार हो गया है, अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बस सूजी और दूध का हलवा तैयार है, इस पर गार्निश कर लेंगे जो हमने बादाम लिए थे इसकी। नारियल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बादाम डाल लेंगे और दूधिया हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।